तो और यार दोस्तों कैसे हो आप सब, मेरा नाम है आकाश। और वैसे हाँ डरना मत, ये कोई गेम प्ले वाला वीडियो नहीं है। आज के इस वीडियो में आपका भाई है ना आपको बताने वाला है आप कैसे कोई भी पिक्चर का यानी कि कोई भी इमेज का आप बैकग्राउंड कितनी आसानी से रिमूव कर सकते हो। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो आपके भाई का जो थंबनेल होता है यानी कि जो मेरा थंबनेल होता है उसके अंदर जो मेरी फ़ोटो रहती है कितनी अच्छे से कटआउट रहती है, एकदम प्रिसाइजली कटआउट कितनी ज़्यादा अच्छे से होती है। तो आज आपका भाई आपको अपना जो सीक्रेट है ना वो आपको शेयर करने वाला है ताकि आपका भी नॉलेज थोड़ा बढ़े और आप भी किसी और का नॉलेज बढ़ा सको। यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शन देने वाला हूँ। जी हाँ, दो ऑप्शन दूंगा। जो पहला वाला ऑप्शन होगा तो आपको लगता होगा कि हाँ भाई ये पहला वाला ऑप्शन हमको पता है और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है बहुत कम ही लोगों को पता है और बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको यार बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जल्दी से इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको जो ऐप दिख रहा होगा वो होगा बैकग्राउंड इरेजर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको सिंपली पता होगा यहाँ पे आपको क्या करना है। वैसे तो मैं राइट वाला इमेज ले लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड एकदम क्लियर है। यहाँ पे आपको पहले बता दूँ जो जिसका बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा क्लियर होगा ये ऐप उसके अंदर यार मास्टर है। तो आपको यहाँ पे ऑटो पे आना है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना और नीचे आपको 0, 1, 2, 3 आपको दिख रहा होगा। तो जितना ज़्यादा आप नंबर रखोगे उतना ज़्यादा सॉफ्ट इमेज आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा काम ख़त्म। पर यहाँ पे जो दूसरी वाली इमेज है जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी जो कि है अमिताभ बच्चन सर की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पे ग्रास वगैरह है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कटआउट करता हूँ तो यार यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मुझे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मुझे दूसरा वाला ऑप्शन है वो मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं करता रहा तो भाई मेरा दिमाग ख़राब हो जाने वाला है और यहाँ पे मुझे लगता है मुझे एडिटिंग ही छोड़ देनी पड़ेगी, सच्ची बोल रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा ऑप्शन। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रोम के ऊपर। आपको कोई ऐप बताऊंगा नहीं मैं, ऐप डाउनलोड कर लो ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव। जी हाँ, आपको लिखना है सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव और सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट आएगा आपको यहाँ पे लिख के रखा होगा Remove.bg। BG यानी कि बैकग्राउंड। काफ़ी ज़्यादा आसान आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ के ऊपर नीचे देखो कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। जैसे कि अमिताभ सर की फ़ोटो थी, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ओके। यहाँ पे अब मैं काउंट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा देखिए आ गई और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी ज़्यादा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने सारा काम अपने आप कर दिया। चलो देखते हैं इमेज को। यहाँ पे आप कटआउट देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कटआउट है। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, प्रीवियस और आफ्टर वाली दोनों फ़ोटो एक बार कंबाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए ये जो लेफ्ट वाली फ़ोटो है ना ये अमिताभ बच्चन की जो पहले वाली फ़ोटो थी, और राइट वाली देखिए एकदम कटआउट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला, एकदम क्लियर फ़ोटो देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही मैं करता हूँ, अगर मेरे पास कुछ ऐसे कमाल की फ़ोटो होती है जहाँ पर मेरा बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा ब्लरी सा है तो मैं ये वाला ट्रिक ज़रूर यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। और जो अगर मेरा बैकग्राउंड एकदम क्लीन है, प्लेन है, तो मैं बैकग्राउंड इरेजर जो है वो यूज़ करता हूँ। तो हाँ, आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया। अगर आप यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ आप इन्फॉर्मेटिव भी लेके जा रहे हो। अगर आप इन्फॉर्मेटिव कुछ सीख लिए तो यार क्यों ना इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया जाए और इस वीडियो को लाइक किया जाए। एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गाइस, गुड बाय।